नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर छत्तीसगढ़ से। जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम पंडरी में कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खाद्य बेचा जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर अधिकारियों ने खाद्य जब्त कर कार्रवाई शुरू की। देखिए हमारे संवाददाता रविशंकर कैवर्त की रिपोर्ट। नहीं देते इन खाद अनका जब बताए खरीद ली थी। वो आपके पास खाद नहीं था? कहाँ है खाद, रहता खरीदते हैं। तो सोसाइटी के माध्यम से आपको खाद नहीं मिलता? नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये नकली खाद वाले आप क्या कहे कि पैसा मत देते रहने, तब लेते रहे पैसा। और क्या क्या बोले आपको? अब वो का कारण बनाओ आप कहे क्या ग्रीन कारण ये अच्छा मैंने उपज वाला खाद है ना, इसमें आप डालोगे खेत में फसल में बोनी में चाहे रोपा में तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा करके तो प्रॉफिट के चलते किसान खुशता है। कितना बोरी लिए सर आप? मैं तो 20 बोरी लिया। कितना पैसा का लगभग? 24,000। 24,000 का 20 बोरी आप लिए? तो उन्नत करके एक वायो फर्टिलाइजर है ग्राउंडर, वो पाया गया, इसके लिए सैंपलिंग किए हैं हम लोग। सैंपलिंग करने के बाद इसको लेबोरेटरी भेजेंगे, उसके बाद जो निष्कर्ष आएगा उसके बाद निसंगत कार्रवाई करेंगे इनके पर खिलाफ। अभी इनसे पूछने के बाद कोई भी विसंगत डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को नहीं बताया गया है। तब तक इनका खाद एक किसान के यहाँ रखवा दिए हैं। जब ये विसंगत लाइसेंस या पीओ फॉर्म या परमिशन किसी स्टेट लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये देखने के बाद इस जो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? नकली खाद बेचने का क्या आपको ट्रेनिंग दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। कितना माल है आपके पास अभी स्टॉक में? स्टॉक में नहीं, गाड़ी आई थी गोरेला से बाहर के। अच्छा, इसका मालिक कौन है? कंट्री में डालने के लिए। मालिक कौन है इसका? आसिफ जाकर। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। कितने साथ हैं आपके साथी? 4 और है। नहीं, इस क्षेत्र में कितने पेंड्रा गौरेला मरवाही में कितने साथी हैं आपके? और लगभग कितने साथी हैं यहाँ? 15-20 की टीम है आपकी। कितना माल खपाने का लक्ष्य है आपका? सर मुझे इसका पता नहीं, मुझे तो एक पंडरी काम दिया था, मैं तो इसी में चल रहा हूँ। मुझे 2 महीने हुए सर पता, अपने पूरी नॉलेज जैसे उन्होंने